हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो आज के एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो इनके मूलों के योगफल क्या होंगे। तो मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। फिर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दो है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल कैसे होंगे। मूल कैसे होंगे का मतलब है कि आपको एक्स के मान निकालने हैं। तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर, ये बट्टे में जाकर गुणा में चला जाएगा, ठीक। और फिर जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये हट जाएगा, पी अपॉन ए क्यू प्लस माइनस में आ जाएगा। तो पी अपॉन ए क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होती है जो खुद से विभाजित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं। एक बिंदु ले लो बाह्य, उस पर कितनी रेखाएँ खींच सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दो। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 2.4 और मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है एक्स के लिए x1 प्लस x2 बट्टा दो और वाई के लिए y1 प्लस y2 बट्टा दो, ठीक। तो एक्स के लिए क्या होगा, देखो 2 + 4/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और वाई के लिए क्या होगा, y1 है -4 y2 है -2/2 यानी कि -3। सो आंसर होगा 3, -3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा। कहते हैं अगला ऑप्शन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + tan² θ का मान क्या होता है। 1 + tan² θ का मान sec² होता है, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे 4 cosec² - 4 cot² किसके बराबर है। तो देखो 4 कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा cosec² - cot², ठीक है, जिसका मान होता है 1। 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं। तो अधिकतर और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहता है, रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद आपके बिहार बोर्ड ने इस पेपर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, उसी का सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखो जो दो घात वाला बहुपद होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनको कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोल रहा है, बिंदु -4.2 किस चतुर्थांश पर पड़ेगा। तो देखो आपको ऐसे बना लेना है, आपको पता है इधर x प्लस का होता है, इधर x माइनस का होता है, इधर y प्लस का होता है, इधर y माइनस का होता है। तो -4 इधर और +2 ऊपर यानी कि दूसरे में पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश। फिर बोल रहे हैं, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, y अक्ष पर x के लिए क्या होता है जीरो होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, y, ये लिख दोगे। मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगी। तो मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायर कर दो, x² - y का स्क्वायर करोगे तो y², तो ये हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु होता है 0, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 2 sin a = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो साइन बराबर क्या जाएगा 1/2, और 1/2 किसका मान होता है sin 30 का। तो साइन से साइन हट जाएगा, 30, थीटा का मान कितना जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है, sin² 25 + cos² 25 का मान कितना होगा। तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा देखो बराबर है,
एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। अगला क्वेश्चन है 3, 5, 6, 7, 9 का माध्य कितना होगा। सो माध्य क्या होता है, नंबरों को जोड़ो और बट्टा कर दो, माध्य। तो 3, 5, 6, 7, 9 को जोड़ना है और 5 से भाग दे देना है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 5 है, 5 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 20वां क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज समकोणिक होते हो, त्रिभुज के संगत अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समरूप होते हैं। समरूप होते लिख देना, यही सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यकों का योग -3 गुणनफल 2 है। तो बहुत ही आसान है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, -3, और अल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है, 2। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस यहाँ पर ये मान रख दो, आपका आंसर आ गया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25/a, और x का मान आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 बटा अंडर रूट है। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में बी को 90 है और हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है, बी को 90 बोला है तो ये ए है, ये बी, ये सी है, तो ये चीज़ इसके बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप ये चीज़ बराबर है आपस में, तो बी सी की जगह पर आप ए बी रख दोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। बीच की दूरी निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। सूत्र लग जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हल कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला जो लगेगा 25 में, वो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर में लगेगा। आर इतना है, थीटा इतना है, इस फॉर्मूले में रख दोगे आंसर आ जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है, यानी कि एन निकालना है। हमें ए एन दे रखा है कितना, 38, ए दे रखा है 3, और डी हमारे पास कितना है, 5, 8 में से 3 गया। सूत्र में रख दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हल कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। टेन ए का मान 5/12 दे रखा है, तो साइन ए प्लस कॉस का मान निकालना है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो 10 का मतलब होता है लंब, 5 दे रखा है, आधार 12 दे रखा है, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। साइन बराबर का तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 5/13, कॉस बट क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, 12/13। इसको जोड़ो, हल करो तो 17/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन ए बराबर कॉस भी दे रखा है, तो क्या करेंगे, देखो किसी भी एक को बदल दो, साइन ए को हम लिख सकते हैं कैसे, कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस बी, कॉस से कॉस हट जाएगा, 90 माइनस ए बराबर बी। सो माइनस के उधर उधर चला जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना होगा। पर अर्धवृत्त की परिधि मतलब होता है पाई आर प्लस 2r, तो हमें 2r निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, देखो 2r प्लस पाई आर बराबर 36 आएगा, तो आप यहाँ से r कॉमन ले लोगे, और जब हल करोगे पाई का मान रख के तो r का मान आ जाएगा 7, और इसका डबल करोगे तो आंसर आ जाएगा 14। व्यास निकालना है ना, तो 2r। 2 त्रिभुजों के समरूप होने की प्रतिबंध को लिखिए, समरूप होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, एस एस एस, एच ए एस, आर एच एस, ये सारे क्राइटेरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्षेत्रफल और परिधि समान है तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आर का मान क्या होगा, 2 होगा। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने पहले ही अपने वीडियोस में करा रखा है,
अनरूट दो, अनरूट तीन, अनरूट पाँच, अनरूट सात सभी एक ही तरीके से होंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये सारे आपको आने चाहिए अभी के टाइम पे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं।